तो आज हम टेस्ट करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ ऐसे गजब के एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाले हैं। और माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऐसा सीक्रेट मॉब है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। अगर आपको भी सीक्रेट मॉब के बारे में जानना है तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो बढ़ते हैं पहले मिथ की तरफ। तो पहला मिथ है, अगर हम नेदर के अंदर जाएंगे और इस पिगलिन का एग लेंगे, ये पिगलिन एग दे, हाँ आपको ओवरवर्ल्ड में जाना है। एक मिनट, अबे ये विलेजर यहाँ पर क्या कर रहा है? ये विलेजर का इरादा है कि मैं उसको लूट लूँ, बस इसको क्या पता कि वो पहले से इतने बड़े चोर हैं कि ये उनको क्या लूटेगा। तो इसके विलेजर को छोड़ दे। तो बढ़ते हैं हमारे ओवरवर्ल्ड की तरफ। तो हमको ओवरवर्ल्ड में जाना है। और अगर आप लोगों को पता कि अगर हम इस पिगलिन को ओवरवर्ल्ड में लाते हैं तो ये ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन बन जाता है। बट अगर हम इसी ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन का एग लेकर दोबारा से नेदर के अंदर जाएंगे और अगर हम इसको स्पॉन करेंगे तो ये पिगलिन बन जाने चाहिए मिथ के अकॉर्डिंग, बट नहीं, इनको तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अबे ये मेरी बोर्ड के अंदर क्या कर रहा है? इतना बड़ा बिल्ड हैक अच्छा बनाया था, इसको पता नहीं क्या चुल मची थी। अबे यार मेरी बोर्ड के अंदर कोई बैठा है, इतना गजब का व्यू ले रहा है और मेरे को बैठने भी नहीं दे रहा है। मैं भी यहाँ पर व्यू लूँगा। मेरी बोर्ड के अंदर ये कैसे अकेला व्यू लेगा? मैं भी लूँगा व्यू। मैं यार क्या गजब का, अबे मैं अब ये कुछ गंदा कांड रहा है। यार निकलते हैं, किसी ने कुछ नहीं दे रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पेज क्या जाता हूँ आप लोग को, बस मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोग को मॉब दिखाऊंगा, तो आपको उसके लिए आना है एंड में। और अगर आपको उस मॉब को देखना है, उस मॉब का नाम है वाइट एंडरमैन। अगर आप एंडरमैन को स्पेक्टेटर करोगे तो ये देखो आपको मिलेगा एक वाइट एंडरमैन। क्या आप लोगों को इसके बारे में पता था? जरूर बताना। तो आप लोगों को पता है कि माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत सारे मॉब्स हैं जिसके अंदर अकल तो बिल्कुल भी नहीं भरी। जैसे कि ये देखो हमारी काउ, अगर मैं इसको वीट दिखाऊंगा तो ये पाउडर स्नो के अंदर थस जाएगी। और ये हमारा पिगी भी ऐसा ही है, अगर इसको कह देता हूँ ये भी मर ही जाएगा। और अगर हम इस गोट को स्पॉन करेंगे और इसको हम वीट दिखाएंगे तो ये तो नहीं आएगी, बट ये विलेजर को चला गया। और ये देखो इसको, ये देखो इनको पूरा पता है कि आगे पाउडर स्नो है इसलिए वो अंदर नहीं आ सकता है। तो हम इसकी ब्रीडिंग कराते हैं, देखते हैं अब ये क्या करते हैं, अब ये कैसे पार करेगा बे। ओ भाई साहब ये होती है पावर ऑफ नाग, जंप मारा और एक और गॉट आ गई है छोटी सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आप लोगों को पता है कि हमारे अगर हम 3 से 4 दिन ना से तो हमारे ये फैंटम स्पॉन हो जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, हमको मारते ही रहते हैं बिना बात के, पता नहीं इनको क्या तकलीफ होती है। बट अगर हमें आस पास हमारे पास कैट होगी तो ये हमारा घंटा पोच नहीं बिगाड़ सकते। तो ये देखो ये कैसे फिर रहे हैं, बट ये हमको नहीं मार रहे, बट स्केलेटन हमको मार सकता था, मार दिया। तो आप लोगों को पता है कि माइनक्राफ्ट के अंदर हमारे डॉग होते हैं जो कि हमारे बहुत वफादार होते हैं, ये किसी से भी नहीं डरते। बट अगर हम इसके सामने लामा स्पॉन कर दें तो ये देखो ये उससे इतना ज़्यादा डरते हैं कि उसी समय उससे भाग जाते हैं। बट अगर लामा ने इसको गल से हिट कर दिया तो ये देखो वो उसको मार डालते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है कि हमारे ज़ॉम्बी मतलब पिगलिन होते हैं, अगर इनके सामने हम कोई सा भी हेड ड्रॉप करेंगे तो ये वो वाला हेड उठा लेते हैं, ये क्रीपर वाला, इसने सभी लोगों ने हेड दे। बट अगर हम इसके सामने ज़ॉम्बीफाइड का पिगलिन का ही ड्रॉप मतलब इनका ही हेड फेंक दे तो क्या करेंगे? इसने उठा तो लिया बट इसका पता नहीं चल रहा है क्या होगा। इनके सामने एंड ड्रैगन का ये क्या गजब लग रहा है हेड इसका पहना हुआ। और अगर आप लोग के पास ऐसे और गजब के एक्सपेरिमेंट करने का आइडिया है तो कमेंट में ज़रूर बता देना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।